नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय फोर्टेक। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट दुनिया के अंदर होने वाले सारी स्मार्ट चीज़ों के बारे में, जिस वीडियो का काफ़ी दिनों से मैं स्टडी कर रहा हूं, काफ़ी दिनों से मेरा अध्ययन शुरू है एंड फाइनली ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूं। अब इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, इंडिया के अंदर ये शायद पहली वीडियो होगी कि जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है। सेक्शन है हट के, लेट्स बिगिन। आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या सारी चीज़ें होने वाली है, हमने स्मार्ट मिरर्स देख लिए थे कुछ इस तरह से, हमने स्मार्ट ग्लासेस भी देखे थे, हमने ट्रांसपेरेंट फोन्स का कंसेप्ट अभी देखना शुरू ही किया है, सैमसंग जिसके ऊपर अभी काम कर रहा है, और हमने ट्रांसपेरेंट टीवीज भी अभी देखना शुरू हो चुका है। इन टीवीज के अंदर हालांकि काफ़ी सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें फ्यूचर बन सकती हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इन्हें सिर्फ पर्टिकुलर जगह पर रख के ही आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। इनके यूज़ करने के कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी काफ़ी हटके से होने वाली है। और ये टेक्नोलॉजी लेके आता है मोजो विजन। इस कंसेप्ट के थ्रू आप जिस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी काम करती है, उसी तरह से इस लेंसेज के थ्रू आप ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज कर पाएंगे। फ्यूचर जो है वो काफी इनक्रेडिबल्स है, लेकिन इसके साथ में कुछ इसके लिमिटेशंस अभी फिलहाल है, जिसके ऊपर 85 लोग हैं उनके, जो कैलिफोर्निया के अंदर एक कंपनी के अंदर काम कर रहे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि इस लेंस के अंदर फिलहाल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माइक्रो डिस्प्ले, इसे चार्जिंग करने के लिए या फिर इसे पावर देने के लिए पावर किस तरह से अरेंज की जाए, इसे इंटरनेट से कैसे जोड़ा जाए एंड इसके अंदर जो है सेंसर्स किस तरह से लगे जाएंगे एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कैसे होगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है कंपनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम कर रही है। अब ये फ्यूचर क्या डेफिनेटली सच हो सकता है? क्या ये फ्यूचर हमें देखने मिलेगा? तो चलिए इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये सारी चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, तो मैं कहूँगा यस, हो सकती हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के अंदर लगती है, उसे उन वायर्स को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, बैटरीज को भी ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शोकेस हो चुके हैं। तो आने वाले फ्यूचर के अंदर काफ़ी सारी इनक्रेडिबल चीज़ें होने वाली हैं। अब ये वीडियो लाने के लिए मैं कम से कम 3 से 4 दिन से मेहनत कर रहा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि सी यू इन द नेक्स्ट वन।